our session on stress management. जिंदगी जीने के लिए इट इज़ नॉट टू स्पेंड ओनली कि चलो टाइम बीत रहा है बीतने दो. हर मोमेंट को एंजॉय करना सीखिए, चाहे वो बुरा है चाहे वो अच्छा है. कभी भी अपनी कैपेसिटी को अंडर एस्टिमेट नहीं करो. सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वही एक ऐसी की है जो सक्सेस के दरवाजे खोलती है. हार्ड एफर्ट्स तभी किए जाते हैं जब सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल होता है. और कुछ भी काम शुरू करने से पहले हमें ये 5 सेंटेंसेस बोलने चाहिए. आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, नथिंग इज इम्पॉसिबल, टूडे इज माई डे, गॉड इज ऑलवेज विद मी. फिर देखिए कि आप कितना डिफरेंस फील करते हैं अपने कॉन्फिडेंस लेवल में. हमारी दिन की शुरुआत 3 T से होनी चाहिए, ट्राई, ट्रूथ एंड ट्रस्ट. जब ये 3 चीज़ें होंगी और बिल्कुल ऑनेस्टली काम किया जाएगा तो नेचुरल सी बात है कि वो काम ज़रूर होता है. एक हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं आई एम इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, अरे इसके स्पेलिंग ही आई एम पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है जी. एक हिम्मत होनी चाहिए करने की. आज से पहले किसी टीचर ने ये सोचा था या किसी स्टूडेंट ने सोचा था कि ऑनलाइन इस तरह से हम लोग स्टडी करेंगे, इज इट? शायद फ़ोन उठाना भी, मेरे जैसे को तो फ़ोन भी तरीके से उठाना नहीं आता था कि कैसे ऑपरेट करते हैं. अटेंड करते करते कॉल कट जाती थी, किसी का कॉल काटना, किसी को क्या है कॉल उसको करनी है तो करते करते काट दी, किसी की आई है तो उसको अटेंड ही नहीं कर पाए हैं, उसको रिजेक्ट कर दिया. तो मेरे जैसे कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के मामले में, जिसको नहीं पता था, तो यू आर बेटर ऑफ देन मी. तो ये एक स्ट्रेस होता है जब हम कुछ करना चाहते हैं और वो काम करने के लिए हमारी रीच से वो बाहर चला जाता है, हम लोग हेल्पलेस हो जाते हैं और हमारा टेंशन का लेवल बढ़ जाता है. स्टेट ऑफ माइंड जो होता है या इमोशनल जब स्ट्रेन आ जाता है, दबाव पड़ता है एडवर्स कंडीशंस की वजह से या डिमांड्स की वजह से, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस. तो कोई अंडर स्ट्रेस है इसे हम कैसे पता कर सकते हैं? WHO की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हेडेक होना, शोल्डर्स में पेन होना, बैक पेन होना, स्टमक का जो क्या है वो हो जाना, अपसेट हो जाना, ये सब सिम्टम्स होते हैं. हमारे जो मसल्स हैं उनका टाइट हो जाना, राइट नेक और शोल्डर्स में एकदम से पेन स्टार्ट हो जाना, और चेस्ट का हैवी हो जाना, हैवी मतलब भारीपन महसूस होना, ये सब स्ट्रेस के सिम्टम्स होते हैं. इसको थोड़ा बड़ा करके, थोड़ा और बढ़ा के हम लोग देखते हैं तो स्ट्रेस के और भी नज़र आते हैं. वही है कि डिजीनेस से फील होना, ड्राउजी से फील होना, हेडेक हो जाना, फेस का एकदम से लाल हो जाना, बॉडी में शेकिंग स्टार्ट हो जाना, हार्ट बीट का एकदम से तेज हो जाना, हमारे नर्व्स हैं वो एकदम से टाइट से फील होना, बैक में पेन स्टार्ट हो जाना, ब्रीदिंग सांस लेने में दिक्कत आना, तेज़ तेज सांस हो जाना, और जो लेग्स हैं उनका वीकनेस फील करना, नर्वस सिस्टम का या स्टमक का एकदम से अपसेट हो जाना, लूज मोशन हो जाना, कांस्टेंट यूरिनेशन और डायरिया की कंडीशन आ जाना, एकदम से बिना कुछ ऐसा खाए पिए भी, उल्टा सीधा खाए पिए भी, सिर्फ एक हेल्दी डाइट लेने के बाद भी ये कंडीशन होना, हाथों से एकदम से पसीना निकलना शुरू हो जाना, स्वीटनिंग स्टार्ट हो जाना, और भी बहुत से सिम्टम्स ऐसे होते हैं, शोल्डर्स का टेंस हो जाना, ये सब हमें शो करते हैं कि सिम्टम्स ये बताते हैं कि बंदा जो है अंडर स्ट्रेस है. इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? हमें कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि अरे भाई तुम्हें तो बात समझ नहीं आती है, तुम्हें तो रोने धोने की आदत है, तुम तो यूँ ही जलते भूनते रहते हो, तुम तो हमेशा कंप्लेंट्स करते हो, स्टॉप दिस. अरे कभी भी मत कहो, हमेशा उसकी बात सुनो, वो रोता है उसका रोना सुनो, उसको गुस्सा है उसका गुस्सा सुनो. जब आप सुन लोगे वो शांत हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे प्यार से ही ऐसे पर्सन्स को ठीक किया जा सकता है. हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, इज इट? हेल्पिंग हैंड होना चाहिए. अब ये अब्दुल कलाम जी ने कितनी प्यारी बात कही है, एक वर्ड लिया है हैंडसम. आई एम नॉट अ हैंडसम गाय बट आई कैन गिव माई हैंड टू समवन हु नीड्स द हेल्प. हैंडसम को हैंड टू समवन, अपने हाथ को मतलब अपनी हेल्प को ऑफर कर सकता हूँ किसी को. तो ब्यूटी दिल में होती है, चेहरे पर कभी नहीं होती है, क्लियर? तो हमें वही बंदा जीतता है लाइफ में जिसने जीतने की ठानी होती है, जो कहे कि बस पहले स्टेप पे अरे मैं मेरे ऐसे पॉसिबल नहीं है जी, आई कांट डू, तो दैट विल नेवर डू.
और जहाँ सीखना ज़िंदगी में बंद हो जाता है वहाँ हार शुरू हो जाती है। कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए, और अगर आप में क्वालिटीज़ हैं तो हमेशा आपको क्या है, रिस्पेक्ट मिलेगी। क्लियर? कभी भी हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब बारिश होती है हम छतरी लेके बाहर जाते हैं, क्या वो बारिश रोक लेता है? नहीं, कुछ ना कुछ तो गिरता ही है, आधे तो हम गिले हो ही जाते हैं, लेकिन एक कॉन्फिडेंस जरूर लेके आता है हमारे में कि हम लोग बाहर खड़े हो सकते हैं। इसी तरह से जो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, हमारी लाइफ में हमें जो है स्ट्रगल करने के लिए हमें वो प्रेरणा देता रहता है कि हमें स्ट्रगल करते रहना चाहिए, और हमेशा हमें ये सोचना चाहिए कि जो है हमेशा पॉजिटिविटी रखनी चाहिए फेलियर्स में भी। एक हीरा और एक कोयला एक ही खान में होता है, एक ही जगह से मिलते हैं। कोयला कम स्ट्रेस को सहन कर पाता है और जो हीरा बनता है वो ज़्यादा, दोनों कार्बन के ही फॉर्म है। रिजल्ट और दोनों की वैल्यू देख लीजिए, बहुत डिफरेंस है। अपने आप से कम्पीट करना सीखिए, दूसरों से नहीं। अभी इस पिक्चर में देख जाए जो फर्स्ट पोजीशन पे है वो अभी भी अंडर स्ट्रेस है, और जो थर्ड पे है वो किस बात से स्ट्रेस में है कि थर्ड पोजीशन वाला इतना खुश क्यों है? इज इट? तो हमें अपनी मस्ती में मस्त रहना चाहिए। आज मैंने 10 कदम चलने सीखे, कल मैं 15 मेरे चल जाएंगे, उससे आगे मैं 20 तक पहुंच जाऊंगी। मेरी प्रोग्रेस तो ये है भाई, 100 चलने वालों के साथ कंपटीशन में तो बात की बात आएगी जब 20 दिन बीत जाएंगे। 5वां दिन बढ़ाते जाएंगे तो 1 महीने बाद 2 महीने बाद शायद उसके साथ भी खड़े हो सकें। इज इट? पर खुश किस पे रहना चाहिए कि कल से 5 स्टेप एक्स्ट्रा उठा पाए, कैपेसिटी हमारे बॉडी की बन चुकी है। क्लियर? हमें चूज वाइजली करनी चाहिए कि हमें क्या बनना है। सेम सीमेंट कंक्रीट से बनता है ब्रिज, सेम से बनती हैं वॉल्स। वॉल्स लोगों को बांटती हैं, ब्रिज लोगों को जोड़ते हैं। अब यहाँ पर बिल्डिंग्स को लेके नहीं आना, हमें अपनी क्वालिटीज़ को लेके चलना है कि हम उनको अपनी वॉल्स में अपने अंदर उनको सिर्फ इकट्ठा करके रखना चाहते हैं कि हम अपनी क्वालिटीज़ को दूसरों में बांटते हैं, जो हमने सीखा है वो दूसरों में भेजते हैं, स्प्रेड आउट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसका बेनिफिट होगा कि हमें अपने तक ही सीमित रखने के लिए ये हमें सोचना है, वेदर वी वॉन्ट टू बी सेल्फिश और हमें दूसरों के साथ मिल के चलना है। हमेशा याद रखना चाहिए जो मिस्टेक्स हैं, जो फेलियर्स हैं, हमारी कभी इंसल्ट होती है, फ्रस्ट्रेशन आती है, रिजेक्ट हो जाते हैं, तो वो सब एक प्रोग्रेस और ग्रोथ का पार्ट होते हैं। कुछ भी जो है लाइफ में अचीव करना हो तो ये प्रॉब्लम फेस किए बिना कभी भी नहीं होता, कभी भी हम लोग नहीं सीख सकते उसको। क्लियर? हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि जो अगर हमें हैप्पी माइंड रखना है, दिमाग खुश रखना है, तो यू आर स्ट्रोंगर व्हेन यू नो योर वीकनेसेस। अपनी कमजोरियां अगर पता हैं तो आप स्ट्रोंग हैं, और अपनी जो अंदर की कमियां पता हैं तो आप बहुत सुंदर हैं, ठीक है। और जब आप अपनी मिस्टेक्स से सीखते हैं तो आपसे ज़्यादा वाइज पर्सन ही कोई नहीं है। और एक चीज़ और रख लीजिए, डू द बेस्ट फॉर ऑल। हर्ट तो किसी को ना करो, गलत किसी का ना करो, अपने तरफ से बढ़िया करते जाओ, कौन क्या सोचता, लेट देम थिंक। और ये पिक्चर ही बता रही है कि इतने सारे मेंढक हैं, उन लोगों को अगर हम चाहें तराजू पे बिठाना चाहें तो इज़ इट पॉसिबल? नेवर। वो तो जंप करते रहेंगे, मतलब एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाएंगी, ना जी ना, इससे ज़्यादा। बट जितना आप अच्छा कर सकते हैं उतना कीजिए, बट नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम अदर्स, और यू जस्ट डू द बेस्ट एंड लिव वेरी हैप्पीली। क्लियर? आगे हम बढ़ते हैं। जो हमारी अपॉर्चुनिटीज़ और एफर्ट्स हैं उनको टाइम टू टाइम इवेल्युएट करना भी ज़रूरी है। अगर हम इस पिक्चर को ही डिस्क्राइब करते हैं तो एक पर्सन फिशिंग कर रहा है, लेकिन पॉन्ड के या रिवर के आप कह सकते हो उस तरफ है जिधर एक भी फिश नहीं है, तो पेशेंसली बैठा है, उसके एफर्ट्स में कोई कमी नहीं है। बट इवेल्युएट करे ना वो कि वो एफर्ट्स कर किस तरफ रहा है। टारगेट वही रखना है लेकिन वे ऑफ एफर्ट्स को चेंज करना है। अगर वो एकदम से टर्न अप होकर दूसरी तरफ आ जाता है, 180 के एंगल को ही चेंज करना है उसने अपने टर्न, ठीक है, और फिर उसको कितना कुछ मिल जाने वाला है। यही हमारी लाइफ है, हमारे एफर्ट्स हमारे सही डायरेक्शन में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, उस चीज़ को भी टाइम टू टाइम इवेल्युएट करना चाहिए। और हमेशा हेल्पिंग हैंड बनो रियल लाइफ में, सोशल मीडिया पर नहीं।
अगर हम सोनू सूद की बात करते हैं एक्टर की, वही आजकल बर्निंग एग्जांपल है। तो जब उसका इंटरव्यू था फर्स्टली पता चला तो जी न्यूज़ वालों ने उसको इंटरव्यू किया तो ही वॉज हेजिटेटिंग टू टेल कि वो लोगों के लिए कर क्या रहा है। बिल्कुल उसको हेजिटेशन हो रही थी, क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी पब्लिसिटी हो, वो एक रियल सेंस में अपने दिल से हेल्प कर रहा था। और ऐसे ही सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देना सफिशिएंट नहीं होता है, क्लियर, हमें रियल लाइफ में भी हेल्पिंग हैंड होना चाहिए। और उस जैसे बहुत से लोगों ने किया भी है और आसपास भी सब लोग करते ही हैं, हम आप में से भी बहुतों ने किया होगा। कभी भी अपॉर्चुनिटीज़ की वेट नहीं करनी चाहिए, खुद को ऐसा बना लो कि अपॉर्चुनिटीज़ आप तक भाग जाएं, यानी कि एफर्ट्स हमेशा बना के रखो। सब कुछ ईजी है अगर आप बिजी हैं, यानी एफर्ट्स बनाए रखते हैं अपने, करते रहते हैं निरंतर, तो सब कुछ इजी है। लेकिन अगर कह दो ये नहीं होने वाला, लेजी है, तो फिर कुछ भी इजी नहीं है। मेंटली हमें जो है हेल्दी रहने के लिए, बिकॉज हेल्दी माइंड वेल्स इन हेल्दी बॉडी, और हेल्दी बॉडी रखने के लिए हमें बहुत सी चीज़ें करनी होती हैं। एक तो पॉजिटिविटी रहनी चाहिए हमेशा लाइफ में, पॉजिटिव सोचो। कोरोना के एरा में सब लोग डर के बैठे घरों के अंदर, बहुत से लोगों को फोर्सफुली गवर्नमेंट ने बुलाया, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, कुछ विलिंगली गए, सोशल वर्कर्स बाहर निकले, उन लोगों ने अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढी दूसरों को हेल्प करने के लिए, दूसरों को अवेयर करने के लिए, है ना, हर तरह से। तो हर सिचुएशन में खुद को एक्टिव रखना चाहिए, पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। अगर वो भी नेगेटिव होकर बैठ जाते तो दुनिया, जितने लोग बेचारे इतने भटक रहे थे, उनका भटकाव कभी भी नहीं जाना था। और अपने काम और अपनी लाइफ में हमेशा बैलेंस बना के रखना चाहिए। योगा करो, मेडिटेशन, ये दोनों चीज़ें बॉडी और माइंड दोनों को फ्रेश और फिट रखते हैं। अपनों के टच में रहो, अपनी फीलिंग्स को उनके साथ शेयर करो जिस पर भी ट्रस्ट करते हैं। हमेशा एक्टिव रहना चाहिए और एंटरटेनमेंट के जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको करते रहना चाहिए। अगर लगे कि आप स्ट्रेस लाइक कंडीशन में हैं, एल्कोहल और टोबैको प्रोडक्ट से हमेशा दूर रहना चाहिए। और एक साउंड स्लीप लो, जिससे जब सोते हुए नींद नहीं आती है ना, हमें महसूस होता है, उठो, मुंह धो। सबसे पहले मेन चीज़ होती है कि अपने पैर वॉश, फीट वॉश करो, अच्छे से पैर धो, पैरों की तलियां धो के ना, भले ही आपने पहले धो के सोने की तैयारी की है, फिर से धो। उसके बाद अपने दिमाग में पूरा दिन की अपनी देखो कि आपने मॉर्निंग टू इवनिंग क्या क्या किया, क्या छूट गया, क्या रह गया। हो सकता है इसी वजह से नींद ना आ रहा हो, कोई काम नींद आ रही हो कि काम कुछ रह गया हो, या कुछ ऐसा इंसिडेंट दिन में हो गया कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड में रह चुका है, वो सब अपने आप को रिमाइंड करो, फिर भी नहीं आती है। जो भी चीज़ अच्छी लगती है उस पर अपने आप को कंसंट्रेट करो, जो भी काम है 20 तक काउंटिंग करो, देखिए कितनी अच्छी नींद आती है। और हमेशा हैप्पी रहो, मन में ये बात मान लो, जैसे ये स्माइली कह रहा है, आई नो सम पीपल आर नॉट हैप्पी विद मी बिकॉज आई एम नॉट सो गुड, बट फ्यू पीपल श्योरली लव मी बिकॉज दे नो दैट माई लिटल गुडनेस इज नॉट फॉल्स। जो थोड़ी बहुत अच्छाई हैं वो मेरी फॉल्स नहीं है, फेक नहीं है, दे आर नॉट फेक। और कुछ लोग मेरे से खुश नहीं हैं, मुझे पता है मैं अच्छा नहीं हूँ, बट एवर आई एम हैप्पी। मतलब ये भी नहीं है कि दूसरों को तंग करते करते हम लोग कहें वट एवर आई एम हैप्पी। हमें दूसरों को तंग भी नहीं करना है और हमें खुश भी रहना है और जो है अच्छा करना है जो भी करना है हमें, क्लियर। और अल्फ़ाबेट्स ABC प्री नर्सरी से सिखाई जाती है, सीखी जाती है, फॉर एवर हम याद रखते हैं। आज हम उनके मीनिंग्स को, जैसे ए फॉर एप्पल बोलते हैं, उसकी बजाय हम चेंज करते हैं। ऑलवेज बी कूल, डोंट हैव ईगो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, गिव अप हर्टिंग इंडिविजुअल्स, जस्ट कीप लविंग मैनकाइंड, नेवर ओमिट प्रेयर्स, क्वाइटली रिमेंबर गॉड, स्पीक ट्रुथ, यूज वैलिड वर्ड्स, एक्सप्रेस योर ज़ील। देखो कितना कुछ सिखा दिया इन अल्फाबेट्स ने, जो हम ए एप्पल और बी बॉल तक ही रहे थे। जस्ट चेंज द सिनेरियो फॉर सेल्फ, जो भी ऑब्स्टेकल्स आते हैं लाइफ में उनसे भी सीखो। कोरोना एरा आया, इससे हमने घर में सेफ रहना सीखा, मिनिमम हमारी इनकम से हम लोगों ने उसमें ही अपने आप का बजट बना के रहना सीखा।
जो हम रोज़ शॉपिंग करने चल पड़ते थे, रोज़ नहीं जाते थे, वीकली जाते थे, जो भी था, आज हमने यहाँ से ये खाने की चीज़ लेके आनी है, आज हमने ये ड्रेस लेनी है, आज हम लोगों ने फिल्म देखने जाना है, आज हम आउटिंग पे किसी पार्क में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में जाएंगे, किसी हिस्टोरिकल प्लेस पर जाएंगे, सबको छोड़ा, क्या किसी को याद आया? स्टार्टिंग के 2 or 3 days छोड़ दो, उसके बाद जैसे धीरे धीरे माइंड सेट हुआ तो हम लोगों ने अपने आप को सेटल कर लिया। अरे इससे ज़्यादा हम क्या सीखेंगे कि मिनिमम से हमें मैक्सिमम करना है। इज इट स्कूल्स बंद हुए, कॉलेजेस बंद हुए, ऑफिस बंद हुए, लेकिन काम बंद नहीं हुआ, टीचिंग बंद नहीं हुई, लर्निंग बंद नहीं हुई। हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन हमारा सोर्स बना, जिससे हमने सीखा, जिससे हमने सिखाया। इज इट तो हमेशा पॉजिटिव रहो, हमेशा सेफ रहो, कंफर्टेबल फील करो अपनी प्रॉब्लम्स को। ऑलवेज यू जस्ट फील कंफर्टेबल टू शेयर योर प्रॉब्लम्स, बिकॉज टेलिंग टू ट्रस्टवर्दी इज ऑल्सो लाइक फाइंडिंग अ सोल्यूशन। ऑलवेज एट योर काइंड सर्विस, यार्ड्स कॉमर्स। देखो, अगर मन में कभी कोई गुस्सा है, कुछ भी नेगेटिविटी आती है, आप रोना चाहते हैं, आपको लगता है किसी से शेयर करेंगे वो कुछ गलत हो जाएगा, है ना? कई बार होता है ना कि हमें लगता है कि हम ये बात शेयर नहीं कर सकते। एक छोटा सा काम करो, किसी ने डांट दिया, उस वजह से दुख है, गुस्सा है, आप नहीं उतार सकते हैं, व्हाट यू डू, यू जस्ट क्लोज योर डोर, अपना रूम बंद कीजिए, मिरर के सामने खड़े होइए, कुछ नहीं करना, तोड़ फोड़ नहीं करनी, कुछ नहीं करनी। आप मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन देखते हैं, उसको आप ये सोचिए आपका ट्रस्टवर्दी फ्रेंड है, इज इट, उसको अपने मन की बात कहिए। आपको रोना आ रहा है उसके सामने रोइए, आपको गुस्सा आ रहा है उसके सामने चिल्लाइए, और जब आप अपनी बात पूरी करेंगे, अपने ब्रेन को एकदम कंफर्ट जोन में पाएंगे, एकदम खुद को फ्रेश फील करेंगे, इज इट, आपका स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, यू जस्ट Be a keen observer कि कहाँ से अपॉर्चुनिटी ढूंढ के लानी है। Is it? Have a good day.